ายอ่ะโอ้โหระบุอกม पूछ रहा है कि इस पर्वत को सागर माथा क्यों कहते हैं इसका पता तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा बगम चढ़ते रहो या या ओ ओ आ Ayah, ayah, oh, oh, ayah, iya, iya, oh, oh, ama, iya, ayah, aha, mwah. प्रभु, अगम कह रहा है कि आपने सही कहा था। ऊपर आने के बाद ही पता चलेगा कि इस पर्वत को सागर माथा, मतलब के आसमान का माथा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आसमान में ही हैं। पर तुम सब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ से प्रकृति की सुंदरता दिखाने लाया हूँ। तो फिर किसके लिए लेकर आए हैं प्रभु? मैं यहाँ तुम्हें खेल खेलने के लिए लाया हूँ। जो यहाँ से सबसे पहले नीचे पहुँचेगा, वो जीत जाएगा। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे केले के पत्तों का। हम तो सोच रहे थे कि चोटी पर पहुंचकर आप इन्हीं केले के पत्तों पर हमें मोदक परोस कर देंगे। चलिए ठीक है, खेल ही सही। पर प्रभु, आप तो चुटकी बजाते ही नीचे पहुंच जाएंगे और जीत जाएंगे। फिर ये प्रतियोगिता क्यों? मूषक सही कह रहा है प्रभु। अगर ये खेल खेलना है तो आपको अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना होगा। खेल शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी जीता जा सकता है नंदी जी। ठीक है प्रभु, आज आप बुद्धि का ही प्रयोग कीजिए। जैसी तुम सबकी इच्छा, मगर देख लेना, जीतूंगा तो मैं ही। शुरू करो। 1, 2, 3। जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं वो ऐसे ही जाते हैं, और बुद्धि का प्रयोग करने वाले ऐसे। मैंने कहा था ना, खेल बुद्धि से जीता जाता है। प्रभु फिर से जीत गए। मूषक, नंदी, अगम, बगम, ब्रिंगी, हाथ पकड़ो। प्रभु, प्रभु आप कहाँ हैं? आया आया ओ ओ। प्रभु आप कहाँ हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता नंदी जी? हमारे प्रभु चले गए। कौन प्रभु? कहाँ गए हैं? वो पानी में हैं।
प्रभु प्रभु हुँ? हुँ? बाल गणेश क्या हुआ? तुम सब रो क्यों रहे हो? आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? Thank you.